एक नौसैनिक विमान चालक लेफ्टिनेंट टॉम हडनर को कोरिया युद्ध के दौरान रोड आइलैंड में फिर से नियुक्त किया गया था। लॉकर रूम में प्रवेश करने पर उन्हें शौचालयों से निकलने वाले हंगामे का सामना करना पड़ा। एनसाइन जेसी ब्राउन शौचालय से बाहर निकले और पूछा कि क्या हडनर स्थानांतरण था। परिचय के बाद हडनर ने खुद को फाइटर स्क्वाड्रन 32 के सदस्यों से परिचित कराया, जिनमें कैरोल मोहरिंग, बो लावेरी, मार्टी गुडे और बिल कोएनिक शामिल थे। स्क्वाड्रन लेफ्टिनेंट कमांडर डिक सेवोली के नेतृत्व में था। इस बैठक के दौरान सेवोली ने खुफिया जानकारी साझा की कि स्टालिन और सोवियत संघ ने सफलतापूर्वक अपने बम का परीक्षण किया था, ये संकेत देते हुए कि उन्हें इसे एक बमवर्षक पर तैनात करने में बहुत समय नहीं लगेगा। हुनर और ब्राउन की जोड़ी सेवोली ने बनाई थी। उड़ान के दौरान ब्राउन ने पारंपरिक जोखिमों को नजरअंदाज करते हुए और अपने अनूठे तरीके से नियंत्रण बनाए रखते हुए एक साहसी दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया। हुनर ने कभी भी एक विंगमैन को पीछे नहीं छोड़ने के सिद्धांत का पालन करते हुए उसे छाया दिया। उड़ान का अनुभव उस अनुभव से अलग था जिसके हडनर आदि थे। ब्राउन ने एक आवासीय क्षेत्र के भीतर एक नाक को भी निष्पादित किया। दिलचस्प बात यह है कि डेजी ब्राउन नाम की एक महिला अपने सामने के यार्ड में खड़ी थी और अंतिम समय में जब वे खड़े हुए तो उन्होंने उनकी ओर हाथ हिलाया। इसके बाद लॉकर रूम में हडनर ने ब्राउन से जोखिम भरे पैंतरेबाजी के बारे में पूछताछ की। ब्राउन की प्रतिक्रिया ने इस विचार का संकेत दिया कि एक विंगमैन की सच्ची समझ अधिक ऊंचाई पर प्राप्त की जाती है। हुनर ने दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए बियर लेने का विचार प्रस्तावित किया, लेकिन ब्राउन ने मना कर दिया, शराब से अपने परहेज का खुलासा किया। सेवोली ने स्क्वाड्रन को क्लैम के इर्द गिर्द केंद्रित एक सभा के लिए अपने घर आमंत्रित किया। हडनर ने साझा किया कि उन्होंने पर्ल हार्बर की घटनाओं के तुरंत बाद नौसेना में भर्ती कराया था और युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद स्नातक हो गए थे। लावेरी के साथ एक आदान प्रदान ने जीवन के अप्रत्याशित मोड़ का संकेत दिया, जिसमें उनके स्क्वाड्रन में एक रंगीन एविएटर की उपस्थिति भी शामिल थी। अपनी पत्नी डेजी के साथ ब्राउन की बातचीत ने उनके स्नेही संबंधों और अपनी बेटी पाम के लिए उनकी साझा जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। स्क्वाड्रन का ध्यान रूसियों की तैयारी पर केंद्रित हो गया, जैसा कि गोलियों के छेद वाले एक टोही विमान की खोज से पता चलता है। उनके नए विमान, जिसे विधवा निर्माता कहा जाता है, ने अपने शक्तिशाली इंजन के कारण अनूठी चुनौतियों का सामना किया, जो अतिरिक्त थ्रोटल के साथ विमान को घुमाने या यहां तक कि अपने टोक के साथ इमारतों को पलटने में सक्षम था। जैसे ही पायलट इस विमान के आदि हुए, खबर आई कि उन्हें तैनात किया जाना है। डेजी के प्रोत्साहन ने ब्राउन के आत्मविश्वास को बढ़ाया, क्योंकि वह जाने की तैयारी कर रहा था। घर जाते समय हुनर ने ब्राउन को सड़क के किनारे कार की परेशानी का सामना करना पड़ा और उन्हें एक सवारी की पेशकश की। सवारी के दौरान हडनर ने साहसिक कार्य के लिए अपने स्वयं के आह्वान और अपने पिता की किराने की दुकानों पर कब्जा करने के अपने फैसले को साझा किया। दूसरी ओर ब्राउन हमेशा सर्वश्रेष्ठ पायलटों के साथ उड़ान भरने की आकांक्षा रखते थे, जिसके कारण वे नौसेना में शामिल हो गए। ब्राउन निवास पर पहुंचने पर डेजी ने हडनर को शराब पीने का निमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने निहित इरादे को पहचानते हुए विनम्रता से मना कर दिया। डेजी ने ब्राउन को याद दिलाया कि वह आतिथ्यशील है और हडनर के वास्तविक स्वभाव से अनजान है। पायलट हाथ से अभ्यास और प्रशिक्षण सत्रों के माध्यम से विधवा निर्माताओं से परिचित होने के लिए आगे बढ़े। जैसे ही उन्हें अपनी आसन तैनाती की खबर मिली, डेजी ने ब्राउन को उनके घर से निकलने से पहले आत्मविश्वास प्रदान किया। अगले दिन ब्राउन खुद को एक बाथरूम की दुकान के दायरे में छिपा लेता है। वह वहां तब तक रहता है जब तक कि लॉकर रूम में पूरी भीड़ तितर बितर नहीं हो जाती। दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखते हुए वह आत्म अपमानजनक टिप्पणियों की एक श्रृंखला में संलग्न हो जाता है। इस बीच हडनर खुद को अपने विमान में सवार पाता है, जो उतरने के लिए तैयार हो रहा है। पूरा दल ध्यान से देखता है, क्योंकि वह एक त्रुटिहीन अवरोहण को निष्पादित करता है। इसके बाद बागडोर संभालने की बारी ब्राउन की है। वाहक पर तैनात सभी अफ्रीकी अमेरिकी चालक दल के सदस्य इस घटना को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। दुर्भाग्य से ब्राउन की उड़ान की ऊंचाई बहुत अधिक है। हडनर उसे अपनी नाक की स्थिति को समायोजित करने की सलाह देता है। सिग्नलमैन के मार्गदर्शन में ब्राउन अपनी ऊंचाई को ठीक करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन शुरू में वाहक से चूक जाता है। वो बढ़ते दबाव से जूझते हुए दूसरा प्रयास करता है और अंततः एक सफल लैंडिंग को पूरा करता है। टीम के प्रत्येक सदस्य अपनी वाहक योग्यता को पास करते हैं, जिसमें हडनर एक सही अंक प्राप्त करते हैं। जैसे जैसे उनके प्रस्थान की तारीख नजदीक आती है, सेवोली उन्हें बाहर भेजने से पहले अपने मामलों को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है।
हडनर ब्राउन को घर वापस जाने की पेशकश करता है और इस बार ब्राउन हडनर को अंदर आने का निमंत्रण देता है। डेजी गर्मजोशी से हडनर का स्वागत करती है, उसे एक पे की पेशकश करती है और उससे ब्राउन का समर्थन करने का अनुरोध करती है। ब्राउन समुद्र तट पर अपने परिवार के साथ एक सुखद शाम का आनंद लेते हैं। वाहक पर सवार होने के अगले दिन दल एक अभ्यास में संलग्न होता है, दालानों के माध्यम से दौड़ता है, सीढ़ियों पर चढ़ता है और अपने अपने विमान तक पहुंचता है। हालांकि अभ्यास केवल एक अनुकरण के रूप में समाप्त होता है और सेवोली बेहतर प्रदर्शन की आवश्यकता को व्यक्त करता है। हालांकि टीम अपने क्वार्टर में लौटती है, ब्राउन को लाइफ मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार के लिए चुना जाता है, जिसका उद्देश्य एक और युद्ध की संभावना के बारे में जनता की आशंकाओं को कम करने के लिए एक सकारात्मक कथा प्रदान करना है। जबकि ब्राउन एक पायलट के रूप में समान व्यवहार चाहता है, साक्षात्कारकर्ता नस्लीय परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। सेवोली हस्तक्षेप करता है, ब्राउन का ध्यान अपने कर्तव्यों पर वापस ले जाता है। डेक के नीचे सेना का एक सदस्य ब्राउन के बाजीगरी कौशल के बारे में पूछताछ करता है। हडर व्यक्ति का आमने सामने सामना करता है, फिर भी ब्राउन पायलटों को बातचीत में शामिल करके स्थिति को दूर करता है। ब्राउन और हडनर बाद में इस मामले पर चर्चा करने के लिए सहमत हैं। हडनर का इरादा व्यक्ति को सबक सिखाना था, जबकि ब्राउन का मानना है कि उनका वर्तमान दृष्टिकोण अधिक अनुकूल है। सेवोली एक अवांछनीय कार्य के लिए एक स्वयंसेवक की तलाश करता है और हडर आगे बढ़ता है, जबकि ब्राउन सूक्ष्मता से मोहरिंग को इसे लेने के लिए उकसाता है। हडर मोहरिंग को जिम्मेदारी लेने की अनुमति देता है, लेकिन दुर्भाग्य से मोहरिंग का प्रयास त्रासदी में समाप्त हो जाता है क्योंकि विमान समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। मोहरिंग की हार से पूरी टीम बहुत प्रभावित होती है, लेकिन ब्राउन मोहरिंग के कार्यों के बारे में अपनी टिप्पणियों के बारे में हडनर का सामना करता है। हडनर का कहना है कि पायलटों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित आदेश महत्वपूर्ण हैं। बाद में पायलट मोहरिंग की याद में एक टॉस्ट उठाते हैं। ब्राउन और हडनर के बीच एक निजी बातचीत में ब्राउन अकादमी में अपने अनुभवों को याद करते हैं। वह बताता है कि कैसे उसके साथ अनुचित व्यवहार किया गया, एक अश्वेत व्यक्ति की तैराकी क्षमताओं के बारे में संदेह के कारण बार बार तैराकी परीक्षण से गुजरना पड़ा। भारत उड़ान सूट, पनडुब्बी और बर्फीले पानी जैसी स्थायी चुनौतियों के बावजूद ब्राउन ने लगातार जीत हासिल की। वह इस बात पर जोर देते हैं कि अपेक्षाओं के अनुरूप होने से इनकार करने से उनकी जान बच गई, एक ऐसा सबक जो उनका उद्देश्य मोहरिंग को देना था। कान में डॉकिंग करने पर पायलट उतरते हैं और आसपास के वातावरण का पता लगाते हैं। ब्राउन डेजी के लिए एक उपहार खोजने के लिए एक दुकान में प्रवेश करता है, केवल नाविकों की सभा पर ठोकर खाने के लिए। आगे की जांच करते हुए उसे पता चलता है कि प्रसिद्ध अभिनेत्री एलिजाबेथ टेलर उनमें से एक हैं। एक नाविक की अपमानजनक टिप्पणी उसका ध्यान आकर्षित करती है, जिसके कारण एलिजाबेथ टेलर ने उस शाम बाद में एक कैसिनो पार्टी में भाग लेने का निमंत्रण दिया। पायलट उपस्थित होते हैं, लेकिन फ्रांसीसी कैसिनो में उनके प्रवेश को शुरू में अस्वीकार कर दिया जाता है। फिर भी ब्राउन की फ्रेंच बोलने की क्षमता कर्मचारियों को अनिच्छा से उन्हें पहुंच देने के लिए आश्वस्त करती है। नृत्य और पे में शामिल होने के बाद वे किसी अन्य स्थान पर जाने से पहले एलिजाबेथ के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। हडर एक आकर्षक महिला को देखता है और एक जादू की चाल से अपने कौशल का प्रदर्शन करके छेड़खानी में संलग्न हो जाता है। वाहक के सैनिक, जिनकी कैसिनो में एलिजाबेथ के साथ पिछली मुठभेड़ हुई थी, दिखाई देते हैं, जिससे झगड़ा हो जाता है क्योंकि उनमें से एक का मानना है कि ब्राउन ने उसके साथ अपने अवसरों को बर्बाद कर दिया। सेवोली टीम को एक ब्रीफिंग प्रदान करता है। सियोल पर उत्तर कोरियाई लोगों ने कब्जा कर लिया है। एक चिंता है कि अगर वे दक्षिणी प्रायद्वीप के शेष हिस्से पर कब्जा करना जारी रखते हैं तो इससे जापान का पतन हो सकता है और अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकने में असमर्थ हो सकता है। जहाज कोरिया की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। ऐसी संभावना है कि लगभग 1,00,000 सैनिकों का एक महत्वपूर्ण चीनी बल पहले से ही उत्तर कोरिया में मौजूद है। मिशन का उद्देश्य सीमा के साथ एक प्रमुख नदी पर दो महत्वपूर्ण पुलों को नष्ट करना है, जिससे चीनी सुदृढ़ीकरण प्रयासों में बाधा आने की उम्मीद है। इस बार सेवोली उड़ान में दल के साथ है। हालांकि ये पता चला है कि सेवोली के विमान के लैंडिंग गियर में एक यांत्रिक समस्या है। नतीजतन कमान प्राधिकरण हुनर को हस्तांतरित कर दिया जाता है। टीम लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर से उड़ती है और शत्रुतापूर्ण आग का सामना करती है। जबकि वे पुलों को पूरी तरह से ध्वस्त करने में असमर्थ हैं, ब्राउन आदेशों की अवज्ञा करता है और कार्य को पूरा करने के लिए वापस चला जाता है। कोरिया में सेना के कर्मियों सहित जमीन पर तैनात सैनिक कठोर परिस्थितियों का सामना करते हैं और संभावित चीनी हमले का इंतजार करते हैं। जब हमला होता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि संभावनाएं उनके पक्ष में नहीं हैं।
हडना घटनाओं का सटीक विवरण प्रदान करते हुए सेवोली को मिशन के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ब्राउन इस बारे में हडना का सामना करता है और दूसरों की तुलना में उसके लिए अनुशासनात्मक परिणामों में विसंगति पर प्रकाश डालता है। ब्राउन की दुर्दशा को समझते हुए हडर टीम से ब्राउन को सही साबित करने के लिए अपनी गवाही देने का अनुरोध करता है। हडर ब्राउन को एक दर्पण के सामने आत्म प्रतिबिंब के एक क्षण में व्यस्त पकड़ता है जो उस पर निर्देशित किए गए हानिकारक शब्दों को दोहराता है। हडना उसे आश्वासन देता है कि वह मिशन की जटिलता और ब्राउन के सही कार्यों का संकेत देने वाले अन्य लोगों से साक्ष्य प्राप्त करने में कामयाब रहा है। हालांकि ब्राउन मानते हैं कि केवल लिखित दस्तावेज उनकी स्थिति को कम नहीं करेंगे। वो हडना से औपचारिकताओं को छोड़ते हुए और चुनौती में गोता लगाते हुए अपना सहयोगी बनकर उसका समर्थन करने के लिए कहता है। जहाज के डेक पर ब्राउन एक सांस लेता है और अफ्रीकी मूल के एक साथी चालक दल के सदस्य के साथ शामिल हो जाता है। चालक दल का सदस्य ब्राउन के हाल के सराहनीय उड़ान प्रदर्शन को स्वीकार करता है और उसे सूचित करता है कि उन्होंने कान में उसे एक घड़ी खरीदने के लिए अपने संसाधनों को इकट्ठा किया। घड़ी के पीछे अन्य सभी से ऊपर वाक्यांश उत्कीर्ण है। ये भाव ब्राउन को गहराई से प्रभावित करता है। रनवे पर ब्राउन का सामना अपने अतीत के एक दोस्त से होता है जिसे वो प्यार से अल्बामा कहता है। अल्बामा खोज और बचाव इकाई से संबद्ध है। डेजी को ब्राउन से एक हार्दिक पत्र मिलता है। उसने उसके जन्मदिन का उपहार छिपा दिया है और उसे उजागर करने के लिए सुराग छोड़ दिया है। सुराग के बाद उसे पाम की अलमारी में छिपी हुई बालियों की एक जोड़ी मिलती है। पत्र का समापन ब्राउन द्वारा अपने चिरस्थायी प्रेम और भक्ति को व्यक्त करने के साथ होता है। सेवोली और टीम को एक व्यापक जानकारी मिलती है। सेना एक भयावह युद्ध के मैदान में फंसी हुई है। नौसैनिकों के लिए चीनी बलों का अनुपात 6-1 है, जिसमें अत्यधिक ठंड की स्थिति रात में 0-30 डिग्री सेल्सियस नीचे गिर जाती है। सैनिक एक धागे से लटके हुए हैं और हवाई सहायता सहायक हो सकती है, भले ही मिशन खतरे से भरा हो। युद्ध के मैदान में नौसैनिक एक कदम आगे बढ़ने से पहले प्रार्थना में संलग्न होते हैं, क्योंकि पायलट ऊपर से सहायता प्रदान करने के लिए पहुंचते हैं। वे दुश्मन पर भयंकर गोलाबारी करते हैं, लेकिन उनके जाने पर हडना को पता चलता है कि ब्राउन के विमान से ईंधन रिस रहा है। ब्राउन जोर देकर कहता है कि यह तेल है और उसे एहसास होता है कि उसे विमान को धीरे से नीचे लाना होगा या अधिक समय तक जीवित नहीं रहने का जोखिम उठाना होगा। सेवोली खोज और बचाव अभियान शुरू करता है। ब्राउन अपनी सभी मिसाइलों को दुश्मन के हाथों में पड़ने से रोकने के लिए एक कठिन लैंडिंग करने से पहले खर्च करता है। ब्राउन की गतिहीनता हुनर को चिंतित करती है, जो ब्राउन के बगल में रहने के लिए अपने विमान को दुर्घटनाग्रस्त करने का कठिन निर्णय लेता है। साथ ही पायलटों की आपत्तियों के बावजूद हडना अपनी मिसाइलें छोड़ने के बाद उतर जाता है। वो ब्राउन के पास जाता है, जो अपनी सीट और नियंत्रण कक्ष के बीच फंस जाता है। दोनों आदमी उसे मुक्त करने के लिए व्यर्थ संघर्ष करते हैं। हालांकि खोज और बचाव सेवोली के संकट कॉल का जवाब देते हैं, लेकिन अंधेरा लैंडिंग को रोकता है। अल्बामा संचार को रोकता है और सहायता प्रदान करता है। बर्फीली ठंड के बीच हुनर ब्राउन को गर्मी प्रदान करने के लिए अपनी बीनी टोपी देता है और बर्फ का उपयोग करके इंजन की आग को बुझाने की कोशिश करता है। जब अल्बामा आता है तो वे ब्राउन को बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं, जो अभी भी फंसा हुआ है। ब्राउन की ताकत कम हो जाती है और वो हडनर से डेजी को अपना शाश्वत प्यार बताने के लिए कहता है। हडर ब्राउन को मुक्त करने के लिए एक हताश बोली में विमान पर हमला करने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ब्राउन का निधन हो गया है तो वो रुक जाता है। हुनर और अल्बामा दृश्य छोड़ देते हैं। हुनर ब्राउन के लिए लौटने की कसम खाते हैं। उनकी दलीलों के बावजूद उच्च अधिकारी हडनर को ब्राउन के शरीर को पुनः प्राप्त करने का मौका देने से इनकार करते हैं और यह अभी तक बरामद नहीं हुआ है। विमान वाहक पर वापस हडनर की चिकित्सा जांच होती है। सेवोली ब्राउन को विदाई देने के लिए एक स्मारक उड़ान पर पायलटों के एक समूह का नेतृत्व करता है। डेजी को युद्ध विभाग से एक पत्र मिलता है और वो भावुक हो जाती है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो वाशिंगटन की यात्रा करती है, जहां राष्ट्रपति ट्रूमैन मरणोपरांत जेसी ब्राउन और टॉम हडर दोनों को मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करते हैं। समारोह के बाद हडर डेजी को इस दिन के बारे में अपनी आशंका के बारे में बताता है। डेजी उसे उसके कार्यों के लिए उसके आभार का आश्वासन देती है और इस बात पर जोर देती है कि वह ब्राउन के लिए वहां था जब ये सबसे अधिक मायने रखता था। ब्राउन को बचाने में असमर्थ होने के लिए हडर पश्चाताप व्यक्त करता है, लेकिन डेजी उसे आश्वस्त करती है कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। वह चाहती थी कि वह ब्राउन के साथ खड़ा रहे और उसने ऐसा ही किया। हुनर और ब्राउन परिवारों के बीच स्थायी दोस्ती उनके पूरे जीवन में बनी रहती है और उनके वंशजों के बीच घनिष्ठ संबंध बने रहते हैं। फिल्म का अंत ब्राउन द्वारा डेजी को लिखे अपने अंतिम पत्रों के पाठ के साथ होता है। वह अपने विशिष्ट समापन का उपयोग करते हुए कहता है, हमेशा की तरह आपका समर्पित जीवन साथी जो आपसे पूरे दिल से प्यार करता है, जेसी।